नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी स्वागत से एक बार फिर आपके बीच में एक नया हस्त रेखा का वीडियो लेके। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि एक मेल हैंड है और इनके हाथ में मैं आपको एक दो चिन्ह ऐसे बताऊंगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपने देखे या आपके खुद के हाथ में होंगे तो आपको ज़रूर उस एज में कुछ ना कुछ नुकसान बड़ा भरपूर हुआ होगा। जैसे आप इनके हाथ में देख सकते हैं, इनकी जीवन रेखा कहीं ना कहीं टूटी हुई है, ब्रेक हुई है, वो भी उम्र कहीं ना कहीं 55-52 के आसपास। उसके आसपास इनको एक लाइफ में सडनली इनके चेंज होगा, जो कि इनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। पर उस पर उसको एक राहु रेखा भी काट रही है, जिसके कारण जो पॉजिटिव चेंज हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि राहु रेखा का भी वहाँ मेरे को एक असर दिख रहा है। अब आप देखेंगे इनके हाथ में दो बड़ी राहु रेखा, जो कि इनकी कहीं ना कहीं धन रेखा से और भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं कटी है, ये देखेंगे। और माइंड लाइन को भी काट रही है, जो कि उम्र कहीं ना कहीं आ रही है इनकी 45+ या 42-45 के अप्रॉक्स। तो इस एज में 100% इनको कुछ ना कुछ धन आनी या मानसिक तनाव बड़े गुजरना पड़ेगा। वो हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर इनको मानसिक तनाव हो, या फैमिली रीजन से हो, या कुछ बड़ा हेल्थ में नुकसान हो, पर 100% इनके हाथ में वो दिखता है। और आप देखेंगे कि इनकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत झुकी हुई है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा काल्पनिक व्यक्ति को दर्शाता है। और इनके हाथ में आप देखेंगे सूर्य रेखा भी है, ठीक है, दो सूर्य रेखा चल रही है, एक पैरेलल चल रही है उसके कहीं ना कहीं, और दोनों मिलके आसपास आप देखेंगे तो सूर्य रेखा मेरे को इनके हाथ में क्लियर तो नहीं दिख रही, बट हाँ एक सूर्य रेखा तो दिख रही है, उस पर से एक सूर्य रेखा इसको इस तरीके से काट रही है। जब भी बुध पर्वत से कोई निकल के रेखा सूर्य रेखा को इस तरीके से काट दे तो ये व्यक्ति को दर्शाता है कि व्यक्ति को कुछ बड़ा फाइनेंशियल लॉस 100% होता है, और अदरवाइज उसके मान सम्मान में या फिर कुछ ना कुछ बड़ी हेल्थ कंडीशन बिगड़ेगी। आपको अगर आप हेल्थ पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, और कहीं ना कहीं मैं आपको अभी भी एज बता रहा हूँ, 42 से 47 तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, हेल्थ से और फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बना के चलना है। ये जब भी सूर्य रेखा इस तरीके से बुध रेखा से कट, बुध पर्वत से कोई रेखा इस तरीके से सूर्य रेखा को काटती है, तो मैंने ये भी देखा है कि व्यक्ति के परिवार में कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी के योग बनते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, आप थोड़ा इसमें साथ